नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी सब्जी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिसके अगर फ़ायदों की बात करें तो इसको हम उंगली पर नहीं गिन सकते। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं ब्रोकली खाने के ऐसे फ़ायदे जो कि आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। दोस्तों ब्रोकली, अब जिन लोगों को पता नहीं ब्रोकली की सब्ज़ी क्या होती है, चलिए थोड़ा सा छोटा सा परिचय इसका हम देते हैं, फिर बात करते हैं इसके उन फ़ायदों के बारे में जो आपको शायद अभी तक पता नहीं होंगे। दोस्तों दिखने की अगर बात करें तो यह फूल गोभी की तरह दिखती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह हल्के हरे रंग की होती है और जहाँ तक पत्ता गोभी होती है वो पीले रंग की होती है, सभी लोगों को पता होता है। दोस्तों बात करते हैं इसको खाया किस प्रकार जाता है। आप इसको कच्चा सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और सब्जी बनाकर या फिर इसका सूप बनाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ब्रोकली को किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं, लेकिन जब आप इसे उबाल कर या फिर भाप में पकाकर इसे खाते हैं तो यह आपको और भी ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। दोस्तों ब्रोकली बहुत ही पौष्टिक सब्जी मानी जाती है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, प्रोटीन, विटामिन ए और सी भी कई सारी भारी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं जिससे आपका शरीर काफ़ी स्वस्थ बनता है। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं इसके कुछ विशेष फायदे। दोस्तों ब्रोकली को खाने से कैंसर होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसमें फाइटोकेमिकल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके शरीर में जाकर हार्मोन कैंसर से बचाने में आपकी हेल्प करते हैं। ब्रोकली में पाए जाने वाले तत्व शरीर में कैंसर सेल्स को पैदा होने से रोकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली को खाने से शरीर से जहरीले तत्व भी बाहर निकल जाते हैं, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक बेहतरीन डिटॉक्स की तरह वर्क करती है। इसके अलावा दोस्तों ब्रोकली में बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का ही एक रूप होता है। इसलिए इसका जब हम सेवन करते हैं तो आंखों से मोतियाबिंद और मस्कुलर डिजनरेशन होने से सुरक्षा मिलती है। यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। दोस्तों इस हरी सब्जी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस पाए जाते हैं जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जिससे बेनिफिट्स ये होता है कि यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए जो बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती है और बच्चे होते हैं उनको ब्रोकली ज़रूर खानी चाहिए। और दोस्तों इसे खाने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो हड्डियों की बीमारी होती है उसका खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों इस चमत्कारी सब्जी में कैरोटीनॉइड ल्यूटीन पाया जाता है जो कि दिल की धमनियों को मोटा होने से रोकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दिल की दूसरी बीमारियों से भी यह राहत मिलती है। इसमें फाइबर, क्रोमियम और पोटेशियम पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करते हैं। दोस्तों ब्रोकली यानी कि हरी फूल गोभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है। इसके सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है और आपको इन्फेक्शन जैसे रोगों से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स और इंसुलिन से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल बनता है। ब्रोकली में क्रोमियम पाया जाता है जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों ब्रोकली के सेवन से कोलाइटिस जैसे आंतों की बीमारी से लड़ने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि एक रिसर्च में यह पाया गया कि कुछ खास तरह के घुलनशील तंतु या रेशे बैक्टीरिया को आहार नली की दीवार से चिपकने से रोकेंगे और कोलाइटिस के रोग को बढ़ने नहीं देते हैं। आंतों में सूजन या इन्फेक्शन होने को कोलाइटिस कहा जाता है, तो ऐसे में इस समस्या से काफ़ी हद तक ब्रोकली हमें निजात दिलाती है। दोस्तों यह दिमाग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। सूरज की हानिकारक किरणों से भी ये हमें बचाती हैं। इसमें यौगिक सल्फोरापेन होता है जो कि आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों के रेडिएशन से बचाती है। इसके सेवन से आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले यूवी रेडिएशन से सुरक्षा मिलती है और यह सूजन को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जी बन जाती है। दोस्तों अगर आपको गठिया रोग है तो आपको ब्रोकली ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक रिसर्च से यह पता चला है कि इसमें पाए जाने वाला यौगिक सल्फोराफेन हड्डियों में होने वाले गठिया रोग के लिए जिम्मेवार जोड़ों में उपस्थितियों के लिए को डैमेज करता है।
यह गठिया को बढ़ने से भी रोकता है। तो ऐसे में गठिया की बीमारी में काफ़ी हेल्पफुल सब्जी बन जाती है। तो दोस्तों यही थी जानकारी ब्रोकली के बारे में, ब्रोकली की सब्जी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इससे संबंधित ऐसी जानकारी जिसको अधिक लोग नहीं जानते। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।